कपड़े हैं, कंबल, गर्म कपड़े, आराम से आती है। आप देख रहे होंगे ये महेंद्री घूमर जो है, हम रिसेंटली हम इसका एक ब्लॉग शूट कर चुके हैं जहाँ नाइट कैंपिंग किए थे हम, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज हम जा रहे हैं सीधे इससे आगे, और एक वाटरफॉल है तामड़ा घूमर, तो तामड़ा घूमर आप सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का शानदार व्यू, वहाँ का वाटरफॉल कितना सुंदर है। और अभी तक आपने हमारा महेंद्री घूमर का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखना, ऊपर आई बटन में आए। में स्वागत करता हूँ। तो आज का ये ब्लॉग हम तामड़ा घूमर के ऊपर बनाने वाले हैं, और हम अभी हम पहुँच चुके हैं तामड़ा घूमर वाटरफॉल, जो कि एकदम नज़दीक है चित्रकूट से, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और कभी अगर आप चित्रकूट भी आते हैं तो यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस है। और अभी एक्सप्लोर करते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं कि कैसा यहाँ पे सिस्टम है, कैसा क्या तैयारी करते हैं लोगों को आने जाने के लिए, कैसा सुविधा है, सब चीज़ आपको दिखाते हैं और वाटरफॉल तक आप सभी को लेके चलते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वाटरफॉल। और अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुविधा कर दिए हैं, टॉयलेट्स बना हुआ है और इधर पार्किंग का भी व्यवस्था अच्छा है पूरा सिस्टम से। और ये पार्किंग का फेयर कितना है, 2-व्हीलर के लिए 20 रुपीज़, 4-व्हीलर के लिए 40 रुपीज़, और शायद यहाँ पर ट्रैकिंग भी होता है, मैं भी काफ़ी समय के बाद आ रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है झरने के नीचे ट्रैकिंग के लिए यहाँ संपर्क करें, अच्छी बात है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर कैंपिंग का भी सुविधा है, कैंप्स लगे हुए हैं, टेंट्स, जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी को कैंपिंग यहाँ भी करना होगा तो कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था यहाँ प्रॉपर, अभी चलने के लिए रास्ता भी बना दिए हैं। और अभी क्या है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रहा है, ये सब चीज़ों को, इस जगह को, क्योंकि पहले ये जगह पूरा छुपा हुआ था, अभी पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अलग से स्पेशल बस भी चला रहा है इसके लिए, घूमो बस्तर करके, जिसमें ये प्लेस उसमें शामिल है, जिसमें सभी लोगों को घुमाया जाता है बस में। तो आज हम लेके आए हैं आपको उसी जगह पे। सो अभी आपको आगे लेके चलते हैं, यहाँ का व्यू दिखाते हैं, तामड़ा घूमर वाटरफॉल कैसा दिखता है, और काफ़ी फेमस हुआ है कुछ समय से, अच्छा जगह है क्योंकि ये। बरसात के सीज़न में ये वाटरफॉल काफ़ी थोड़ा बड़ा हुआ करता है, लेकिन अभी क्या है ऑफ सीज़न हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा पानी कम है, बाकी काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये जो तामड़ा घूमर वाटरफॉल है, ये महेंद्री घूमर जो अभी हाँ पिछला वीडियो आप देखे होंगे उसमें जो ब्लॉग देखे थे उसी का ही पार्ट है, एक ही पहाड़ से बना हुआ है और काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर ट्रैकिंग भी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज पता नहीं, अभी सुबह है, सुबह हम जल्दी आए हैं तो शायद अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और पहले ट्रैकिंग नहीं, मतलब ट्रैकिंग नहीं होता था उससे पहले भी, लोग क्या है खुद से पहाड़ से उधर से जड़ों के सहारे, पेड़ों के जड़ों के सहारे, पत्थरों के सहारे नीचे उतरते थे। तो आज तो हम नहीं उतरेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएँगे तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम नीचे भी जाएँ और नीचे से व्यू का इन्जॉय कर पाएंगे कि कैसा व्यू है। बाकी यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, और आप सभी को भी उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा ये वाटरफॉल। और कभी भी अगर आप चित्रकूट के आसपास आते हैं या चित्रकूट वाटरफॉल देखने के लिए आते हैं तो वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है, तो महेंद्री घूमर और तामड़ा घूमर आप दोनों को कवर कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा और आपका एक मेमोरी अच्छा बनेगा। कि आपने अभी देखा वाटरफॉल, ये ऐसी नालों का ही पानी है, नालों का मतलब जैसे पहाड़ों से और खेतों से होके जो बारिश का पानी जो आता है
वही पानी से ये वाटरफॉल बना हुआ है और ये अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। अगर पिकनिक आपको मनाना है तो फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं और पिकनिक बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हो। वीकेंड्स में यहाँ पे आइए, इंजॉय करिए, बढ़िया प्लेस है। पहली बार यहाँ पे आएगा उसको काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि बस्तर में ऐसे सब जगहों की भरमार है, बस एक्सप्लोर करने की देरी है। और कोशिश रहेगा हमारा जहाँ तक हम पहुँच सके नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सके और आप सभी को दिखा सके। समय से ये प्रॉपर रास्ता भी बनाया गया है, नहीं तो पहले पूरा झाड़ियाँ था, झाड़ियों से इधर उधर से उतर के जाना पड़ता था। अभी काफ़ी अच्छा बना गया है तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, इजीली यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तामड़ागुमर आप आते हैं तो यहाँ पे नाइट कैंपिंग भी कराया जाता है और ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है भाई? जयराम कश्यप भाई से अभी मुलाकात हुआ तो इन्हीं लोग यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बताओ भाई कैसा क्या रहता है इसका? उसका ना सर एक नाइट था 24 घंटे का, 1500 रुपये लेते हैं। तो एक टेंट में दो लोग जी। और खाने वाने का सब रहेगा, खाने वाने सब रहेगा, 15 लेकर ब्रेकफास्ट। अच्छा, तो शाम को हम कितने समय आ सकते हैं? आप लोग करीबन 2-3 बजे आ सकते। अच्छा, 2-3 बजे आगे अपन शाम का खाना जी और सुबह का ब्रेकफास्ट जी। तो बढ़िया है, सुबह ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा ट्रैक करवाते हैं। अच्छा, ट्रैकिंग भी करवाते हो? तो 1500 में इंक्लूड रहता है ट्रैकिंग? ट्रैकिंग में कैसे क्या करवाते हैं? अच्छा, एक्टिविटी में अपना गाड़ी भी रहता है जी। अच्छा, आप जो अभी गाड़ी जो चला रहे हैं कुछ लोग वो भी 1500 में इंक्लूड रहता है। और ट्रैकिंग में कैसा क्या रहता है? ट्रैकिंग में तो पंडल कराते हैं, नीचे उतरते हो क्या? पूरे नीचे उतरते हैं, पहले ले जाते हैं झरने के पीछे, उसके बाद फिर झरने के पीछे ले दिखाते हैं, फिर फोटो वोटो खींचते हैं, फिर नीचे लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब पूरा नीचे अपन एक्सप्लोर करते हैं 1500 में, है ना? तो जैसे अगर कोई कैंपिंग नहीं करता है, खाली ट्रैकिंग करना है रहता है तो, या बाइक चलाना रहता है जो भी है, तो उनको कैसे करवाते हो? बाइक का तो 10 मिनट का 150। 10 मिनट का 150? तो एक आदमी चला या दो आदमी? अच्छा, 150 में 10 मिनट आप चला, 10 मिनट कोई भी चला सकता, कोई भी चला सकता। और ट्रैकिंग के लिए नीचे उसका कितना लेते हैं? खाली जैसे रहते नहीं है यहाँ पे कैंपिंग में, खाली ट्रैकिंग कराना है, नीचे उतरना है लोगों के साथ, अगर 5 से कम रहना, 5 से ज्यादा रहे तो 150। अच्छा, एक आदमी का जी। 10 से ज्यादा रहेंगे तो 100 रुपए। बस उसमें आप बताएंगे इधर उधर से जाना है ऐसा करके। चलो ठीक है, बढ़िया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आपको यहाँ पे कैंपिंग ट्रैकिंग या फिर कुछ भी करना होगा एडवेंचर से रिलेटेड, तो भाई से मिलना, पूरा व्यवस्था करवा देंगे। यहाँ पे नाइट में इन लोग बॉनफायर करवाते हैं, है ना? बॉनफायर कराते हैं, यहाँ मस्त आराम से बैठो और पूरा इंजॉय करो नाइट कैंपिंग का। चेयर पूरे लगे हुए हैं और अभी टेंट भी दिखाएंगे भाई। एक टेंट में कितने लोगों का है? दो लोग। अगर फैमिली आ गई तो फिर उसका। ये देखो टेंट है पूरा, यहाँ पे प्रॉपर गद्दा भी है इनके पास और ओढ़ने के लिए भी कपड़े हैं, कंबल, गर्म कपड़े, आराम से यहाँ 3 लोग तो आराम से सो सकते हैं अगर फैमिली आते हैं तो, बाकी 2 लोग तो इंजॉय कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि यहाँ पे ट्रैकिंग का पूरा व्यवस्था है और तामड़ागुमर समिति के नाम से यहाँ पे चलाया जाता है। तो अगर आप कभी यहाँ पे नाइट कैंपिंग या फिर ट्रैकिंग करना चाहते हैं और पहले से इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो मैं उसका सारा डिटेल, फ़ोन नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख के इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना पहले से और यहाँ आके फिर इन्जॉय करिए, फिर आप सभी बताना कैसा लगेगा आप सभी को। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी को ये तामड़ागुमर वाटरफॉल कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।